विंडो में झोला छाप डॉक्टर द्वारा कार्य की जाने की शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जमालपुर रोड पर छापेमारी की गई है। विभाग की टीम सीएम विंडो कमेटी सदस्य ईश्वर नैन, एसएमओ डॉक्टर सतीश गर्ग, एसएमओ जाखल डॉक्टर सुशील के नेतृत्व में जमालपुर रोड स्थित ताज मोहम्मद के क्लिनिक पर पहुंची। इस दौरान चिकित्सक एक व्यक्ति का इलाज कर रहा था। जब विभाग की टीम ने उससे दस्तावेज मांगे तो वह कोई कागज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे औजार अपने साथ ले गई तथा कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखने की बात कही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व गांव जमालपुर में एक फर्जी चिकित्सक के इलाज से राजस्थान निवासी एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। आपको बता दें कि उसके बाद से विभाग पूर्ण रूप से सतर्क नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार रतिया निवासी नरेश कुमार ने सीएम विंडो में दी शिकायत में बताया था कि टोहाना के जमालपुर रोड पर ताज मोहम्मद के नाम से 5वीं पास चिकित्सक फर्जी तरीके से कार्य कर रहा है तथा आम जनता को अंग्रेजी में प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहा है, जिस पर विभाग की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद सीएम विंडो की तरफ से अधिकारियों की सख्त कार्रवाई के आदेश प्राप्त हुए और कार्रवाई की गई। आजाद टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उसी के संदर्भ में आज निगरानी कमेटी की प्रेजेंस में ये रेड करी गई है। तो आपको यहाँ पे इसमें जो जैसे हड्डियों के इलाज में क्रैप बैंडेज होती हैं, स्प्लिंट के लिए पट्टियाँ होती हैं, कैंची वगैरह जहाँ बैंडेज वगैरह जो ऐसा सामान मिला, ये खुद ही बिल्कुल मना कर रहे हैं कि जो अशरफ खान है ये 5 पास है और इसके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है। ये अपने डॉक्टर साहब को उसमें आरोप लगाया था कि ये डॉक्टर जो यहाँ खड़े हैं कि ये गैर कानूनी काम कर।